मैंने कहा था ना, तुझे गाड़ने के लिए मुझे ज्यादा गहरा खड्डा नहीं खोदना पड़ेगा। अब दीवान को झुकाने का अंजाम देख। अंजाम की परवाह वो करते हैं जिनके इरादे कमजोर हो। आज के बाद इरादे तो क्या, तू अपना नाम तक भूल जाएगा। जो घर से कफन बांधकर निकलते हैं वो अपना नहीं दुश्मन का नाम याद रखते हैं। तो फिर आज के बाद तू दीवान की दुश्मनी नहीं दिलावर का कहर देखेगा। तेरा कहर तो जहर बनकर मेरी रगों में दौड़ रहा है। जिसने दिलावा फटेगा तेरा नामो निशान तक मिटा देगा। निशान तो दीवान मिटाता है, और ऐसे मिटाता है कि आवाज तक नहीं आती। जिस सक्सेना को मारा तो उसकी आवाज उसके हलक में अटक कर रह गई। तेरे बाप शंकर को मारा तो उसकी छाती की सुराखों में धस कर रह गई। जज की औरत को मारा तो ट्रेन के शोर में दब कर रह गई। बबलू को मारा तो उसकी आवाज इंस्पेक्टर की चीखों में खुलकर रह गई। और इंस्पेक्टर को मारा तो उसकी आवाज उसके सांसों में अटक कर रह गई। मगर अब जब मैं तुझे मारूंगा तो तेरी आवाज की गूंज सारे शहर को सुनाई देगा। ये तेरी खुशकिस्मती है दिलावर कि मेरे हाथ बंधे हुए, वरना इन्हीं हाथों से तेरा कलेजा निकालकर तेरे हलक में ठोस देता।